जय किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानी टेक फार्मिंग। सभी किसानों के मन में बात रहती है कि उखेड़ा क्यों आता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या इसे हम रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये देखिए प्लॉट में पूरी तरह उखेड़ा आ चुका है, पत्ते गिर गए हैं पीले होके और पौधे बिल्कुल सूख गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके पहले लक्षण क्या है, देखिए कि पौधा बिल्कुल सूख जाता है, पत्ते नीचे से पीले होकर गिरने शुरू होंगे और ऊपर की तरफ जाएगा ये, और आने का इसका टाइम है उखेड़ा। जब पौधा फ्रूट पे होता है, फ्लावरिंग पे होता है, टिंडे बनने लगते हैं, तब ये उखेड़ा पौधों में आता है। और इसमें देखिए इस प्रकार पीले पत्ते हो जाएंगे, और किसान भाई इसमें पानी भी लगाते हैं, दवा का स्प्रे भी करते हैं, लेकिन उखेड़े का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये उखेड़े को हम लक्षण दिखाई देने पे या समय पे इसे रोक सकते हैं और पैदावार ले सकते हैं, तो ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। एक दिन में ये पूरी हजारों एकड़ खेत ख़त्म हो जाता है और किसानों को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा मानना ये है कि जो हम बीज की बुआई करते हैं, बीटी कॉटन की, बोलगार्ड सेकंड की, उस बीज में अपग्रेड नहीं किया गया। जब से बोलगार्ड सेकंड आया है उसके बाद मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, जलवायु में परिवर्तन हुआ है, मौसम में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण इस मौसम में आके अभी 2-3 साल के अंदर उखेड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि बोलगार्ड सेकंड को अब अपग्रेड करके 3 में करना चाहिए, ये मौसम में नहीं मानता, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसान साथियों, इसमें स्प्रे भी की गई है, सब कुछ, पानी भी दिया गया है, खाद भी दी गई है, परंतु ये सफल नहीं हो उसका, और उखेड़े ने अपना उग्र रूप ले लिया है। और यहाँ मेरे आसपास जितने भी खेत हैं उन सब खेतों में उखेड़ा आ चुका है। आज तारीख 12 सितंबर है और इस प्लॉट के अंदर लगभग अगस्त के लास्ट सप्ताह में उखेड़ा थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो गया था। जैसे अभी सुबह हुई है, इस टाइम जो पत्ते, जैसे ये पत्ते बहुत ज़्यादा चमकीले हैं। किसान भाई सोचते हैं कि हरा है हमारा पौधा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगस्त के लास्ट वीक में थोड़ा थोड़ा पीला हो गया था और उसके बाद अब ये उखेड़ा इसमें शुरू हो गया। कहीं गुलाबी सुंडी ने मार रखा है, कहीं ने उखेड़े ने, तो किसानों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ये देखिए, किसान और किसानी से जुड़ी बातों के लिए मेरे YouTube चैनल ज्ञानी टेक फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, धन्यवाद।